हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी माइंड डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ऑटिज़म और एडीएचडी के बच्चों में, जिससे रिकवरी जल्दी हो। अगर कलर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी चीज़ आप बार बार करा रहे हैं, बच्चा भूल जाता है, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो है, रिस्पॉन्स स्लो है, तो ब्रेन डेवलपमेंट में ये मदद करेगा। जो भी फॉग या कन्फ्यूजन होगा बच्चे को, उससे भी उसको आराम मिलेगा। तो 4 पॉइंट्स कौन से होते हैं जो ब्रेन में हेल्प करते हैं, न्यूरॉन्स प्रोडक्शन में मदद करते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ द यिन टैंग पॉइंट। यहाँ पे 30 सेकेंड्स तक ऐसे आपको प्रेस करना है दिन में 4 से 5 बार, और फिर आप सर्कुलर मोशंस में इस पर मसाज भी कर सकते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। और रात में जब बच्चा सो जाए तो बस यहाँ पे मीडियम साइज़ की एक बिंदी लगा देनी है आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ द LI4 पॉइंट। ये भी बहुत सिंपल है, ये वाला, बस ये, दिस इज़ द LI4 पॉइंट, ये दिस इज़ द LI4 पॉइंट। 30 सेकेंड्स तक प्रेस करना है, रात में चने की दाल, पेपर टेप से या बिंदी आप लगा सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ द PC6 पॉइंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, रिस्ट से 3 फिंगर्स पे, ठीक है, रिस्ट से जस्ट 3 फिंगर्स से, ये बीचों बीच, दिस इज़ द PC6 पॉइंट, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द SP36 पॉइंट, ठीक है। नी से, ये हमारा नी की बोन है पटेला, इससे जस्ट 4 फिंगर्स नीचे इज़ द ST36 पॉइंट, ये नी है, इससे जस्ट 4 फिंगर्स नीचे ये, दिस इज़ द ST36 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, यिन टैंग पॉइंट, LI4 पॉइंट, PC6 पॉइंट और ST36 पॉइंट। बहुत ही इफेक्टिव है ब्रेन डेवलपमेंट और रिकवरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज से ही आप काम पे लग जाइए। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।